और बाकी अंगों के मामले में अगर लिवर को लगभग 12 से 24 घंटे को, पैनक्रियास को लगभग 12 से 24 घंटे और हार्ट को सिर्फ 6 घंटे तो हमारे देश में क्या सुविधाएं मौजूद हैं? क्या हम इतनी कम टाइम में ये सब काम करके और फिर उसे सेव करके और उसको ट्रांसप्लांट करने की क्या काबिलियत है हमारे अंदर उतनी? मेरे ख्याल से तो ये सेंटर, ये बेसिकली बड़े बड़े शहरों में है, जैसे दिल्ली में है, चेन्नई में है, हैदराबाद में है, मुंबई में है, कलकत्ता में है, पर अगर आप इनके बाहर जाएं जहां पे एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं तो वहां पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। ब्रेन डेथ डिक्लेयर करने का भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। तो जब तक ये सब अवेलेबल नहीं होगा तब तक आपके डोनेशन रेट नहीं बढ़ेंगे। और उसके और तब तक डोनेशन का फायदा भी क्या है? मतलब अगर लोग दे रहे हैं और आप उसको ना तो लगा सकते हैं ना निकाल सकते हैं, तो फायदा क्या है? जी मुझे आप आरती जी बताइए, जिस तरह की ये बात हो रही है कि मतलब आपके पास फैसिलिटीज नहीं है और मतलब एक तो आप बहुत मुश्किल से परसुएट कर रहे हैं किसी को, वो डोनेट भी कर रहा है फिर उसका फायदा कुछ नहीं निकल रहा, ये जो स्थिति है उस पर आप लोग? ऐसा नहीं है, 100% जितने भी रिट्रीव हुए पूरे 100% ट्रांसप्लांट हुए। जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने ठीक कहा कि जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ सब जगह फैसिलिटीज हैं, दिल्ली में बहुत सारे ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं और एक भी ऑर्गन वेस्ट नहीं जाता और ये तो बैंकिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती। जैसे मैंने पहले बोला वेटिंग लिस्ट इतनी लंबी होती है कि इतने वर्कअप रेसिपिएंट्स होते हैं, एज सुन एज हम रिट्रीव करते हैं हम एकदम ट्रांसप्लांट करते हैं, साथ ही साथ 4-5 ऑपरेशन थिएटर साथ ही साथ चलते हैं। जैसे हार्ट निकलता है तो हार्ट रेसिपिएंट रेडी होता है, किडनीज निकलते हैं तो किडनी रेसिपिएंट रेडी होता है, लिवर निकलता है तो साथ ही साथ ऐसे निकलता है ऐसे लगता है। इतना स्टोर तो तब करेंगे ना जब इनफ होगा, अभी वेटिंग लिस्ट इतनी है, इतने वर्कड अप पेशेंट हैं, डोनर्स इतने कम हैं। जैसे अभी बात हो रही है इंसेंटिव्स की कि सब इंसेंटिव्स दीजिए तो डोनर्स आगे आएंगे, क्या आपको लगता है इंसेंटिव्स वर्क करते हैं? लेकिन मेरे को पर्सनली लगता है कि ये वॉलंटरी होना चाहिए, इसमें हमारे को कल्चरल चेंज चाहिए, सोशियो कल्चरल रेवोल्यूशन काइंड ऑफ, क्योंकि जब कमर्शियल इंटरेस्ट आ जाता है तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी प्रोग्राम की है वो डाउटफुल हो जाती है। जैसे ईरान में आप खरीद सकते हैं, सिर्फ बाहर के लोग आके नहीं खरीद सकते लेकिन आप अपनी कंट्री के देख वहां पे लोग खरीद सकते हैं, क्या इस तरह की चीजों को बढ़ावा मिलना चाहिए? नहीं, मुझे तो लगता है कि कल्चरल चेंज होनी चाहिए। दो चीजें, एक तो ये कि हम जो बहुत अच्छे से अभी डॉक्टर बता रहे थे ब्रेन डेथ डिक्लेयर नहीं होती, हम अपने हॉस्पिटल्स में इतनी सारी फॉर्मेलिटीज है जो नॉर्मल है, ऑपरेशन से पहले कंसेंट लेते हैं, एवरी टाइम व्हेन देयर इज ब्रेन डेथ एंड इफ इट इज मेड, अगर हम इसको मैंडेटरी करा दें कि ये होना ही है तो जितना ब्रेन डेथ होगा, एक प्रोटोकॉल है कि एवरी ब्रेन डेथ को ट्रीटिंग डॉक्टर और वहां का जो कोऑर्डिनेटर है वो अप्रोच करेगा, उनसे बात की जाएगी, तो एक नॉर्मल मेडिकल प्रैक्टिस बन जाएगी, उससे फर्क पड़ जाएगा, लोगों को जब अवेयरनेस होगी तो उनको पता रहेगा कि ये होता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मॉनेटरी एक्सचेंजेस या कोई इस तरह की बहुत बड़ी इंसेंटिवाइजेशन की जरूरत है। हाँ, इनडायरेक्ट हो सकता है कि कुछ बेनिफिट जैसे फ्री मेडिकल केयर टू द पर्सन फैमिली और समबडी हुज डोनेटेड डिपेंडिंग ऑन उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, थोड़ा बहुत, बट बेसिकली अगर इसको बहुत बड़े तरीके से प्रमोट करना है तो ये कल्चरल चेंज जनरल पब्लिक में और मेडिकल प्रोफेशनल्स में दोनों में चाहिए। जी डॉक्टर गुलेरिया कुछ कह रहे हैं। आप ईरान की बात कर रहे थे, ईरान में देखिए अभी एक जारगुशी जी हैं, उन्होंने आर्टिकल लिखा है कि ईरान में जो डोनर्स हैं 90% ऑफ देम जब सर्वे हुआ सेट कि वो देना अपना, वो एडवाइस करेंगे कि अपना आदमी ना बेचे, दे हैव द हाईएस्ट सुसाइड रेट द डोनर्स एंड द डोनर्स आर ओनली द पुअर। जैसे आप देखिए अगर आप चेन्नई में गांव में जाइए जहां पे डोनर्स ज्यादा हैं, सबसे पूरा गांव एक ही गुर्दे पे जी रहा है, तो अमेरिका से एक टीम आई जिन्होंने इनको स्टडी किया और उन्होंने अपना रिजल्ट पब्लिश किया और उसमें यह दिखाया कि जितने भी डोनर्स हैं उनकी आर्थिक स्थिति डोनेशन के बाद और भी पुअर हो गई और वो एडवाइस करते हैं कि आदमी को अपने अंग नहीं बेचने चाहिए और वो ये भी एडवाइस देखते हैं कि बीच में सबसे ज्यादा पैसा ना डॉक्टर्स ने कमाया ना मरीज ने, तो बीच में दलाल है उसने सबसे ज्यादा पैसा कमाया। सो कमर्शलाइजेशन इन ऑर्गन्स इज रियली बैड। जी चेन्नई में जिस गांव का जिक्र डॉक्टर साहब कर रहे हैं किडनीपुरम, उसका नाम ही पड़ गया है, मतलब ये देखिए आप कितनी हैरानी की बात। जी मैं आ रही हूं। हां बताइए, जब समाज में सबके लिए कानून लागू है तो डॉक्टर्स के ऊपर भी तो कुछ कानून लागू होना चाहिए। और संवेदनशीलता है जो उस इंस्टिंक्ट को खत्म करना पड़ेगा, ह्यूमन वैल्यूज डिग्रेड कर रहा है और कमर्शियलाइजेशन और जो मार्केट फोर्स है उसके कारण भी ये प्रॉब्लम बहुत इंटेंसिटी में बढ़ा। इतने सारे रैकेट्स हैं, निठारी का देखिए, किडनी रैकेट्स देखिए, संवेदनशीलता इसकी बड़ी कमी है। बताइए सरकारी अस्पताल वहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि जनता डरती है कि जो हम दे रहे हैं डोनेशन कर रहे हैं उसका बाद में होगा क्या, क्योंकि जो इन्होंने कहा कि जो मतलब इनके अपने क्लिनिक्स होते हैं
इनमें पूरी सांठगांठ होती होगी, जाहिर सी बात जी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों में जाके कोई डोनेट करे तो पता नहीं उस किडनी का क्या होगा। आरती जी, ये क्या ये बात में कोई सच्चाई है, आपसे जानेंगे जी। एक मिनट, हाँ बताइए जी। अभी हम लोग जैसे किडनी रैकेट के बारे में बात कर रहे हैं तो कब कोई कह रहा है कि रिच लोग हैं वो इसके पीछे, कोई पुअर डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लॉ में ऐसा होना चाहिए, लॉ कह रहे हैं डॉक्टर्स, तो हम लोग सब एक साथ क्यों नहीं कह रहे कि नोबडी इज परफेक्ट, कि सब कुछ वी आर समवेयर, वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि कहीं से डॉक्टर्स की कमी है, कहीं लॉ की कमी है, कहीं अगर रिच मांग रहे हैं तो पुअर भी देने को तैयार है, वी आर ऑल्सो रेडी फॉर दिस। मतलब हम सब इसके प्रति जिम्मेदार हैं। What all steps have been taken by the medical association in order to, you know, motivate people? Because हमें पता है इसका solution यही है कि हम लोगों को motivate करें कि वो organs donate करें, क्योंकि मरने के बाद तो करना ही क्या है organs का, but क्या steps लिए गए हैं अभी तक, क्या करना चाहिए? Okay, और कौन किसने हाथ उठाया था बताइए मैम। सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की बीमारियां लगे क्यों हो रहा है, इतने डायबिटिक पेशेंट इतना हो गया है। फाइनल कमेंट्स हम लेंगे मीनाक्षी लेखी, सबसे पहले आपसे। अब जबकि इस तरह के खुलासे नई बात नहीं रह गए हैं, अक्सर हम इस तरह की सुगबुगाहटें सुनते ही रहते हैं। कानूनी पक्ष पे आप कह रही थी कि कानून सफिशिएंट हैं, क्या आप मानती हैं कि इस तरह की चीजें ना हो हमारे सामने? क्या उसके लिए स्टेप्स लिए जाने चाहिए? कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो कि खत्म होनी चाहिए? फर्स्ट इज स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, जो एक्ट है मौजूद उसकी बहुत इम्प्लीमेंटेशन ठीक होनी चाहिए। इंटरनेट का जमाना है तो हॉस्पिटल्स जो है वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, ताकि एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, कहीं कोई मर रहा है, कहीं ब्रेन डेथ जो है उसको आप इम्पेरेटिव करें कि सबको डिक्लेयर करना ही करना है। उसके बाद काउंसलर्स का रोल शुरू होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति उस स्टेज पर है जहां ब्रेन डेथ डिक्लेयर हो चुकी है, कि वो उसको वेंटिलेटर पे कंटिन्यू करना चाहते हैं या चाहते हैं कि विड्रॉ करके उसकी ऑर्गन्स जो है किसी और के काम आए। और इसमें मैं आईएमए रिलेटेड एक सवाल, मतलब ये मेरी पर्सनल थॉट है कि जो एजुकेटेड तबका है, डॉक्टर्स जैसे जो ट्रांसप्लांट के बारे में अच्छी तरह समझते हैं और जानते हैं और मानते हैं कि ट्रांसप्लांट से कुछ होने वाला नहीं है या हम मर गए तो ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट होने में कोई बुराई नहीं है, एजुकेटेड है, मेडिकली अवेयर है, उसमें से जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स हैं आईएमए जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, कितने लोगों ने ट्रांसप्लांटेशन का फॉर्म भरा है? दैट इज माई क्वेश्चन। एंड सिमिलरली ऐसे लीगल बॉडीज जी, मेरे ख्याल से देखिए यहाँ डॉक्टर के पास इस समय कार्ड मौजूद है, डॉक्टर गुलेरी अपना कार्ड दिखा रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ डॉक्टर्स हु आर इन द फील्ड, आई एम टॉकिंग ऑफ अ पेडियाट्रिशियन, अ गायनेकोलॉजिस्ट, समबडी हु इज नॉट अ ट्रांसप्लांट सर्जन, हु डजंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, से अ लॉयर लाइक मी, आई मीन आई मे वॉन्ट टू डू इट बट समबडी हैज टू अप्रोच मी एंड टेल मी दैट आप ये फॉर्म भर सकते हैं, और आप अपने परिवार में बता के रखिए कि आपने ये फॉर्म भरा है, कल को कोई चीज होती है, ब्रेन डेथ डिक्लेयर होती है, तो हम आपके ऑर्गन्स लोगों को पहुंचा सके या दे सके जी। तो इस तरीके की जो इनिशिएटिव्स हैं, अगर उसको आप प्रमोट करें तो एटलीस्ट फ्रॉम द एजुकेटेड प्रोफेशनल क्लास आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जी। मिश्रा जी, सॉरी टू इंटरप्ट, जो फॉरेनर्स आके ये सब कर रहे हैं, आई थिंक देयर यू नीड अ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एथिक, कि अगर हम लोगों की ऑर्गन्स हैं और वो हम डोनेट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली फॉर नेशनल पर्पसेस, नॉट फॉर एनीबडी एल्स। जी बिल्कुल ठीक है, इट्स नॉट अ मार्केट इंसेंटिव फॉर दैट, नोबडी विल, इवन प्रोफेशनल विल नॉट डू इट, व्हाई नॉट, अनलेस देयर इज, यू सी दैट व्हाट काइंड ऑफ इंसेंटिव, दिन तो चलेगा, जब कोई आदमी मर ही रहा है तो उसमें आप क्या इंसेंटिव देंगे? क्या इंसेंटिव देंगे जी? मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे, खासतौर से लोग ये जरूर आपके एसोसिएशन से उम्मीद रखते हैं कि आपकी जो फ्रेटर्निटी है, आपकी जो कम्युनिटी है, जो डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर इस तरह का जरूर एक डर रहना चाहिए कि वो इस तरह के काम में अपने को लिप्त न करें। आईएमए इस पे जागरूक है और अपने मेंबर्स को डेफिनेटली इसके बारे में एवं साधारण जनता को बताती है कि वो ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे किडनी डोनेशन हो, चाहे लिवर ट्रांसफर हो। मेरा इस सारे सवाल का जो सार है, जवाब, वो ये है कि गवर्नमेंट शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर्स थ्रू आउट द कंट्री इन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, एंड द लॉज फ्रेंडली टू डोनर एंड रिसिपियंट शुड बी मेड, and the organ taking system should be facilitated. Unless this infrastructure is made, even if we all want to do, we will not be able to do. जी पद्मा जी, फाइनल कॉमेंट।
I'll again talk about armed forces only. Madam's question, how many doctors, I mean, leave alone the doctors, even other officers who are not doctors, not only the officers, the other ranks also. I told you the number, that many have signed up and they are willing to donate voluntarily. Here I would like to comment. We have held a lot of seminars and, you know, workshops wherein, you know, if I go in uniform, nobody's going to listen to me, some cinema actors or, you know, people like that who are sort of icons, they have come in. So that has really motivated in the field area. And of course, maybe it's a very specific community called armed forces, where people are quite aware because it's a hotai rehta hai wahan. So people lose their lives. So it's quite a common thing. So maybe that. But whatever it is, there's a lot of awareness and people have joined up. One more thing I would like to add. Some few months back, a liver was available in army hospital. The whole Delhi was told, nobody asked for it, nobody wanted it. But within 3 hours, thanks to our commercial airline who took it free of charge, they chartered a plane for this. It went to, I think, Hyderabad or Bombay, and there it was transplanted. If we come across, we can do it. There may be another place, maybe Hyderabad, Madras, anywhere it is. It is possible, but this communication is very, very essential. It was not required, but it was used somewhere in India. That was something very nice which happened. So such communication, as he said, up to the district level, even lower level, if it can be possible, that would go a long way in making this organ transplantation. We say, jahan chaah hai, wahan raha nikalti hai. Aarti ji, aap kya kahengi? Final comments aapki taraf se. मुझे ये लगता है कि अगर हम ये सोचते रहे कि हमारा परफेक्ट सिनेरियो जब होगा तो हम लोग डोनर कार्ड साइन करेंगे और आगे आएंगे, तो वो ठीक नहीं रहेगा. वी शुड स्टार्ट वेयर वी आर. और आज भी हमारे पास काफी सिटीज में मेडिकल कॉलेजेस हैं, स्टेट्स में हैं, जहां पे हम लोग टिश्यू डोनेट कर सकते हैं. कुछ जगहों पर ब्रेन डेड डिक्लेयर हो सकता है, किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम है. तो हमें प्लेज तो करना चाहिए, और नहीं तो हम होल बॉडी प्लेज कर सकते हैं. वो मेडिकल एजुकेशन के काम आएगी. ये डॉक्टर्स जो कल ट्रांसप्लांट सर्जन बनेंगे, ये अच्छा सीख सकते हैं. जैसे मैं आपको बताऊं, मैडम भी बता रही हैं, हमने जितने हमारे डोनेशन हुए 40 लास्ट वन ईयर में, 40 होल बॉडीज वो सेंट टू एनाटॉमी डिपार्टमेंट, सो दैट डॉक्टर्स गेट ट्रेन्ड बेटर. ऑल्सो कुछ लोग ब्रेन डेथ प्लेज साइन करते हैं. अब 7,500 लोगों ने जो ब्रेन डेथ सर्टिफिकेट प्लेज साइन किया, वो जरूरी तो नहीं है कि सबकी सब ब्रेन डेथ होगा, लेकिन ये हुआ है कि वो 7,500 लोगों ने कम से कम 30-40 लोगों को बताया होगा, तो एक अवेयरनेस बढ़ी है. और अब हमारे पास कॉर्निया डोनेशन भी आ रही है, हार्ट वॉल डोनेशन भी हो रही है, बोन डोनेशन भी हो रही है. इंडिया में कहीं भी बोन बैंक नहीं है सिवाय एम्स के, एंड दिस इज थैंक्स टू दिस प्लेजिंग दैट व्हेन पीपल डिड डाय नॉर्मल कार्डिक डेथ, दिस सेड अब हम क्या दे सकते हैं, ब्रेन डेथ तो नहीं हुई, हमने कहा आप टिश्यू दे सकते हैं. तो इसलिए हमें शुरू करना चाहिए. और वो है, और वो की वेबसाइट है, हेल्पलाइन नंबर है, आप प्लेज करना चाहें एक फोन कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल 1060 पे करिए, या वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भर के भेज दीजिए. एटलीस्ट इट्स अ गुड थॉट. इट विल जी संदीप बुलेरिया जी, आई थिंक वी हैव टू अरेंज अवेयरनेस इन द पब्लिक. ऑल ऑफ अस हैव टू प्लेज टू डोनेट आवर ऑर्गन्स, और आई एम श्योर दिस इज ऑल पॉसिबल. और ये सब हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है. देखिए, हर प्रोफेशन में देर आर ब्लैक शीप, और इसका यह मतलब नहीं कि प्रोफेशन खराब है. आपको बोलना नहीं चाहिए, पहला हार्ट ट्रांसप्लांट से लेकर आज तक जितने ट्रांसप्लांट्स होते हैं हिंदुस्तान में, 90% आर सक्सेसफुल, आर रिजल्ट्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड. ऐसी कोई, वी हैव टू बी जस्ट अवेयरनेस बढ़ानी है लोगों में, एंड दिस इज ऑल पॉसिबल. जी, जागरूकता बढ़ाने की कहीं जरूरत है, और जरूरत इस बात की है कि हम अपने शरीर को दान करके जाएं मौत से पहले, कि दूसरों के काम आ सकता है. इस सोच के साथ हमें शुरू करना चाहिए, देखना चाहिए. और इस समय हमारे साथ डॉक्टर आरती हैं, उनके पास कुछ फॉर्म्स भी हैं जो कि हमें यहाँ पर लोगों को दे सकती हैं. वो प्लेज कर सकते हैं, कसम खा सकते हैं, उठा सकते हैं कि वो भी अपने अंगों का दान देने के लिए तैयार हैं. और इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम हम यहीं खत्म करते हैं. अगले हफ्ते फिर एक नए विषय के साथ आपके साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए अनुमति दीजिए. नमस्कार.